Hello students, today through this video I would like to discuss environment related words. So student can use these kind of words if they get essay related to environment, or they can use these kind of words in the speaking cue card. I vividly remember there is a cue card talk about the polluted place, so वहाँ पे environment related words students use कर सकते हैं. So in this video we are going to discuss some environment related words. The first word is endangered species. A species of animal or plant that is seriously at a risk of extinction. वो species of animal or plant जो seriously क्या है risk of extinction, जिसे हम बोलते हैं verge of extinction, जो about to die हैं, जो क्या होने वाले हैं, about to disappear होने वाले हैं. So we can use this word. The second word is biodiversity. Concentration in types of plants and animals within a specific area. जो एक स्पेसिफिक कैटेगरी के एनिमल या प्लांट्स एक स्पेसिफिक रीजन से बिलोंग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी. एंड द थर्ड वन इज डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज. वी नो दिस वेरी वेल, ड्यू टू ह्यूमन एक्सप्लोजन पीपल वॉन्ट टू फुलफिल देयर नीड्स, सो दे वॉन्ट टू चॉप डाउन द ट्रीज और दे आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट लैंड. दिस इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन. द नेक्स्ट वन इज रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी दैट कैन बी प्रोड्यूस सस्टेनेबली विदाउट यूजिंग फॉसिल फ्यूल. वो एनर्जी जो कैसे प्रोड्यूस होती है बिना फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन. फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल एंड कोल, इनकी कंजम्पशन के बिना जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है उसे हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये इको फ्रेंडली होती है, ये हार्मफुल नहीं है फॉर एनवायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी. And the next one is global warming, increase in the temperature of the earth. We know this very well, due to the excess uses of automobile, many harmful gases are emitting day by the vehicles. जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एट एन अलार्मिंग रेट दीज डेज. इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग. कंजर्वेशन, यूजेज एंड सेविंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन अ माइंडफुल मैनर. जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर यूज़ करना विदाउट उनके वेस्टिंग इज नोन एज कंजर्वेशन. उन्हें सेव करके रखना फॉर फ्यूचर यूज़ इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. देन द नेक्स्ट टर्म इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, हीटिंग ऑफ द अर्थ ड्यू टू CO2 एंड अदर गैसेज. जो अदर गैसेज की वजह से अर्थ का टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, स्पेसिफिकली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, उसे हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट. देन natural disaster, disasters which are caused naturally, for example cyclones, earthquakes, tsunami and many more. जिसे हम कहते हैं कि वो disasters जो natural calamities भी बोला जाता है इसे. natural disasters क्या होते हैं, वो disasters जो naturally occur होते हैं, जिसमें human role नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा ecosystem disturb हो जाता है, उसे हम कहते हैं natural disaster. The next term is pollution, damage caused to air and water by harmful substances. जो अनवांटेड चेंजेस आ रही हैं हमारे इन्वायरमेंट में ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, किस में आ रही हैं, एयर वाटर में आ रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं. क्योंकि ये सारे जो अनवांटेड चेंजेस हैं ये क्या करती हैं, कंटामिनेट करती हैं हमारे इन्वायरमेंट को. कंटामिनेट मीन्स पॉल्यूट करती है इन्वायरमेंट को, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं. द लास्ट टर्म इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, अ काइंड ऑफ सब्सटेंस विच कैनॉट बी ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल ऑर्गेनाइज्म एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ पॉल्यूशन. वो जो नेचुरली ब्रोकडाउन नहीं होता ऑर्गेनाइज्म की वजह से और वो क्या हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू विल डेफिनेटली ट्राई टू यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स इन योर राइटिंग एंड स्पीकिंग एज वेल एज. विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच.